स्कैनर एरर 13 आ रहा है यहाँ पे। अभी जो है इसको फिक्स करेंगे प्रिंटर के अंदर हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो लॉक है ठीक है, मैं टूटा पड़ा है तो इसको पहले फिक्स किया हमने। ये देखिए इसका लॉक है, और जो है अभी एरर को भी फिक्स करेंगे हम। ये देखिए दोस्तों जो है ठीक है, मैं पेज को खोलेंगे और ठीक है, मैं पेज को खोलने के बाद में जो है ठीक है, मैं स्कैनर को निकालेंगे हम लोग। ये देखिए ये स्कैनर पे पेज है तो पेज को खोल लेंगे हम लोग। एक तो दोस्तों जो है ठीक है, यहाँ पे पेज दिया हुआ है ठीक है, यहाँ दिया और यहाँ दिया और वहाँ दिया, तो सभी को खोल लेंगे पेज की मदद से। जो है इसके लॉक को खोल लेंगे हम लोग। स्कैनर के एरर को दूर करेंगे हम लोग। ये देखिए अभी भी आ रहा है एरर इसमें स्कैनर का, स्कैनर एरर 13। लोग को खोलेंगे आराम से इसको पेचकस की मदद से। अरे इसकी पहले सप्लाई बंद कर लो ना, निकाल दो सप्लाई। ये देखिए इसके नीचे भी पेच है तो नीचे वाले भी पेच को खोल लेंगे हम। लॉक था इसमें तो खुल नहीं रहा था पेच की वजह से, तो देखिए यहाँ पे नीचे पेच है, पेच को खोल लिया हमने। अभी इसको करेंगे और ये इसके नट बोल्ट हैं। अब हम इसके स्कैनर को निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे खोल लिया हमने स्कैनर को, बिल्कुल ही आराम से निकल गया इसका स्कैनर। ये देखिए दोस्तों आगे भी पेच था ठीक है, यहाँ भी पेच है तो सभी पेचों को खोल लेंगे। अब इसको खोलेंगे तो स्कैनर को देख रहे हैं, यहाँ से हमने खोल के निकाल लिया। ये देखिए इसका पार्ट है, ये वायरिंग है, वायरिंग के अंदर से निकाल लिया इसके कनेक्शन को, ऊपर ही से निकलेगा ये वाल्व है, इसको खोल लेंगे हम। ये देखिए इसको निकाल कर रख दिया साइड में। अब स्कैनर की देखिए यहाँ पे गरारी वगैरह में दिक्कत है, तो इसको अच्छे से इसकी तार को बनाएंगे और फिर ये काम करने लगेगा। ये देखिए इसकी वायर है, ये इसको हम लोग वीडियो में फिक्स करेंगे। मूवी में दिक्कत थी इसकी, ये आगे पीछे घूम नहीं रहा था स्कैनर, तो देखते हैं इसको दोबारा से टेस्ट करके अच्छे से इसमें कनेक्शन करके, दोबारा से अच्छे से इसके कनेक्शन को साफ करके लगाएंगे इसमें और बेल्ट पे इसको सेट करेंगे। ये इसका पोर्ट है, पोर्ट में लगा देंगे वायर को। ये देखिए यहाँ पे पोर्ट आसान, बिल्कुल ही आराम से लगाएंगे इसमें। लगाने के बाद में फिर हम लोग जो है इसके अंदर में सेट करेंगे इसको। ये देखिए इसकी यहाँ पे गरारी वगैरह है, तो हम लोग इसी के अंदर में इसको अच्छे से इसमें लगाएंगे, सेट करेंगे। ये इसकी देख पा रहे हैं दूसरी वायर भी है, तो उसकी भी ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन करेंगे दूसरी वायर का, जो है इसमें लॉक दिया हुआ है, वाइट कलर का लॉक है, लगा दिया हमने। अब जो है ये देखिए यहाँ पे हमने ठीक है, मैं गरारी में इसको सेट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे पावर को लगाएंगे प्रिंटर के अंदर और फिर जो है इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहेंगे ठीक है, मैं लाइट आ गई है, ये देखिए रेड कलर में है लाइट इसमें, और ये जो है यहाँ पे काम जो है ठीक है, मैं करने लग गया इसके स्कैनर इसकी हम। ये देखिए यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी अच्छा दोस्तों मैकेनिज्म दिया हुआ है। गरारिया जो है ठीक है, इसमें घूमी हुई थी तो चल नहीं रहा था ये स्कैनर हमारा,
अब देखिए इसको हमने फिक्स कर दिया तो अच्छे से काम कर रहा है ये। इससे देखिए हमने ऊपर का खोल रखा है इसका और ये काफ़ी अच्छा प्रिंटर है ये। ये देखिए यहाँ पर फंक्शंस वगैरह हैं तो अभी हम लोग जो है इसको सेट करेंगे प्रिंटर को अच्छे से। देखिए इसमें दोबारा से लगाएंगे पावर हम और स्कैनर को अच्छे से हमने यहाँ पे सेट जो इसमें कर दिया है और इसकी टेस्टिंग करेंगे अटके हम। ये देखिए यहाँ पे जो है इसकी वायर को सेट कर रहे हैं हम, क्योंकि जो इसकी वायरिंग है ये आगे पीछे चली जा रही है। और ये स्कैनर देखिए बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, इसमें लाइट भी आ गई स्कैनर में, मतलब ये जो है बिल्कुल ही अच्छे से काम कर रहा है। बस हमें इसकी वायर को सेट करना है, इसके वायर की अगर ठीक है वजह से आगे पीछे चला जा रहा है ये, तो इसको हम लोग इसमें अच्छे से ठीक है सेट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर भी चला गया इसका। अगर ये जो है अगर ये आपका चलता नहीं है तो दोस्तों ये जो देख रहेंगे वायरिंग को जो है ठीक है हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो आप अपना ला के वायर को चेंज कर सकते हैं, फिर ये आपका बहुत ही अच्छे से काम करने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे चला रहे हैं तो हम ये अच्छे से काम कर रहा है स्कैनर, ये देखिए। तो ये यहाँ पे चले अब जो है इसको फिक्स करेंगे हम लोग अपने स्कैनर को, क्योंकि उसके बिना ये ठीक है इसमें काम नहीं करेगा, तो कनेक्शन को भी तो लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया इसको, ये देखिए यहाँ से चला गया दोस्तों वायर, आप इसमें देख पा रहे हैं प्रिंटर में, और ये हमारा स्कैन कर रहा है। ये देखिए धीरे धीरे कर रहा है स्कैन, बहुत ही जो है ठीक है मैं अच्छे से कर रहा है स्कैनर, तो हमारा जो है स्कैनर बहुत ही अच्छे से काम करने लग गया अब यहाँ पे। तो दोस्तों आप भी अपने प्रिंटर के स्कैनर को ठीक कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पे सेट कर रहा है ये, आगे पीछे करके अपने आप को सेट कर रहा है स्कैनर। आप भी इसको छोड़ दें और ये जो है ये फिर जैसे कि अपने आप को यहाँ पे करेगा। ये देखिए यहाँ पे चला गया इसका एरर, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम ओके प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे चला गया दोस्तों एरर इसका, और ये देखिए यहाँ पे सेट कर रहा है अभी। तो हम लोग इसको सेट करने देंगे, ऑटोमेटिक ही अपने आप को सेट करके निकाल देगा एरर को। ये देखिए तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे हमने इसको ठीक कर दिया है, और ओके का बटन देंगे यहाँ पे ठीक है। फ़ोटो कॉपी के लिए कुछ भी करेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एरर इसका चला गया स्कैनर का। और अब देखिए हम लोग जो है दोस्तों इसमें कमांड देंगे प्रिंटिंग की, तो ये इसकी यहाँ पे निकालेगा। देखिए यहाँ पे इसका जो एरर था यहाँ पे निकल गया, देख पा रहे हैं ठीक है हमें। ठीक है दोस्तों यहाँ पे कॉपी कर रहा है ये, तो मतलब इसका जो एरर था यहाँ पे निकल गया ठीक है, फिक्स हो चुका है इसका एरर। पेज को यहाँ पर लगाएँगे और अच्छे से आप इस पर ठीक है हमें काम करवा सकते हैं। अब जो है हम लोग इसको पैक करेंगे, और दोस्तों ये देखिए यहाँ भी आ रही है सप्लाई, तो इसको भी आप ठीक है हमें निकाल के बहुत ही अच्छे से ठीक है हमें साफ़ कर ले वायर को, फिर से लगा दें इसके अंदर। कभी कभार जो है इसके अंदर में जंक लगा रहता है तो तभी भी काम नहीं करता स्कैनर हमारा, तो इसको ठीक है यहाँ से निकाल के वायर को ठीक है हमें दोबारा से लगा दें। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है पत्ता, अच्छे बिल्कुल ही जो है ठीक है हमें सिंपली यहाँ से निकल जाता है, ये देख पा रहे हैं। और इसको इसी में दोबारा से लगा देंगे, ये देखिए अच्छे से लग जाएगा, ऐसे अच्छे से फिक्स कर दें और फिर ये अच्छे से काम करने लग जाएगा हमारा। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, आप अपने एरर को रिमूव कर सकते हैं ठीक है। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और फोटोकॉपी कुछ भी रख के ठीक है मैं स्कैनिंग कर सकते हैं आप। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ठीक है मैं पेज टोकस देंगे हम, ये देखिए यहाँ पे चार पांच पेज हैं, तो चार पांच पेज को कस देंगे हम।
और ये देखिए हमने दोस्तों यहाँ पे स्कैनर के कनेक्शन को कर दिया ही, ये देख पा रहे हैं इसका ये कनेक्शन है, ठीक है, पतले वाला है, और ये इसका इसका वायर का कनेक्शन है जो कि उस स्कैनर के अंदर से आता है। तो यहाँ पे हमने ठीक है इसमें दोनों कनेक्शन को कर दिया है, तो ये ठीक है आपको भी करना है। हम ये देखिए ठीक है जो है इसको असेंबल कर रहे हैं हम लोग। अब पीछे भी पिंच था ना इसके, अभी देखिए यहाँ पे पेज रख दिया हमने, ठीक है। अब जो है इसकी ठीक है मैं क्या बोलते हैं प्रिंट की कमांड देंगे इसमें हम, तो ये अभी ठीक है आप जो है ठीक है मैं देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रिंट की कमांड दे दी हमने, और यहाँ पे दिखा इसमें कोटिंग की और इसने पेज ले लिया अपने अंदर, और ये देखिए इसका यहाँ निकल गया प्रिंट आउट, देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है हमारा स्कैनर बहुत ही अच्छे से काम करने लग गया। अब दोबारा से कमांड देंगे हम, ये देखिए यहाँ पे निकल गया प्रिंट आउट दोस्तों। यहाँ पे दूसरी ठीक है मैं साइड में पेंच है तो पेंच को कस रहे हैं हम। अब जो है इसके ये देखिए यहाँ पे इसका ठीक है हमें बटन दे रखा है, तो यहाँ पे लगा रहे हैं इसके बटन को, लॉक इसका टूट गया है इसको भी करेंगे फिक्स, और बॉडी को इसके फिक्स कर देंगे अब हम, ठीक है। तो जो है इसका साइड लॉक को लगाएंगे हम लोग प्रिंटर के, और दोस्तों इसको बंद करेंगे हम लोग, और इसको बंद करने के बाद में हमारा प्रिंटर रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसमें लॉकिंग का सिस्टम है, तो बिल्कुल अच्छे से लगा के इसको पैक करेंगे ताकि इसका इसमें अच्छे से लॉक लग जाए, बटन वगैरह अच्छे से इसमें सेट हो जाए। ये देखिए सेट हो गया ये। अब जो है इसके पेंच को कस देंगे हम और हमारा प्रिंटर रेडी हो जाएगा। एक बार इसकी जो है हमें टेस्टिंग भी करेंगे हम लोग। अब हमने इसको असेंबल कर दिया है, पावर की वायर को लगा दिया है, और ये देखिए